इस वीडियो में हम लोग जानेंगे इंटरनेशनल लॉ कमीशन के बारे में। तो देखिए यहाँ पे प्रोफेसर बिमल पटेल जी जो है उनको यूनाइटेड नेशन में 163 वोट्स मिले हैं। तो चलिए इस न्यूज़ के बारे में देखते हैं। प्रोफेसर बिमल पटेल जी जो कि वाइस चांसलर हैं राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी तथा जो है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड ऑफ इंडिया के मेंबर भी हैं, उनको जो है यहाँ पे इलेक्ट किया गया है इंटरनेशनल लॉ कमीशन में, जिसमें उनको 5 ईयर टर्म जो है शुरू होगा। ये आपका 1 जनवरी 2023 से जो है ये शुरू होगा। प्रोफेसर पटेल जी जो है इनको 163 वोट्स मिले हैं, यानी कि 163 कंट्री के जो यहाँ पे सपोर्ट मिले हैं 192 कंट्री में से यूनाइटेड नेशन के। तथा उन्होंने जो है एशिया पैसिफिक ग्रुप में टॉप भी किए हैं, और बड़े बड़े देशों जैसे चाइना, साउथ कोरिया, जापान के कैंडिडेट को भी जो है यहाँ पे पीछे छोड़ा है। प्रोफेसर पटेल जी जो है ये एक एडुकेशनलिस्ट, जूरिस्ट, एडमिनिस्ट्रेटर भी है, तथा उनके कार्यकाल में जो है उन्होंने बहुत सारे रोल भी यहाँ पे निभाए हैं। जैसे गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में एज ए डायरेक्टर भी रह चुके हैं, साथ ही साथ जो यहाँ पे 21st लॉ कमीशन ऑफ इंडिया है उनके मेंबर भी रहे हैं। उन्होंने जो है 15 साल तक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन में भी काम कर चुके हैं, जिसमें OPCW यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स में भी जो है यहाँ पे काम कर चुके हैं, जिसका हेडक्वार्टर जो हैग नीदरलैंड में है।